गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी होली पितम, हैप्पी होली। हाँ, आज दोल है, कल होली है। और ये देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये पीली कलर का एक साड़ी पहनी है। पीतम भी रेडी हो चुका है, पीतम के पापा भी। अभी हम निकल रहे हैं सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हैं? कल बोला था हम गांव जा रहे हैं, गांव में पूजा है। तो और क्या, लेट नहीं करती, चलिए आप भी हमारे साथ जाते जाते जितना हो सके शेयर करूंगी, वहां पर जाके शेयर करूंगी। और कैसी लग रही हूँ मैं, बताना जरूर बताना। चलो तो जी, हम निकल पड़े हैं मोटरसाइकिल पे। थोड़ी थोड़ी ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी है, तो वेदर बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल एकदम खुश हो गया। और अभी आए हैं हम कहाँ पर, ये है औंदा। औंदा एक मतलब बांकुड़ा और विष्णुपुर के बीच में पड़ता है, छोटा सा बाजार है, अच्छा है। तो प्रीतम के पापा का कुछ काम था इसलिए रुके हैं। तो चलो अभी गांव के रास्ते में है, हम गांव पहुंच ही चुके हैं। थोड़ी देर और लगेगा, दिख रहा है गांव, तो थोड़ी देर लगेगा, पहुंच जाएंगे। मैं आई हूँ बहुत बार, आई हूँ बहुत बार मतलब 3-4 बार मतलब 13 साल में 3-4 बार ही आई हूँ, क्योंकि ऐसे आना होता नहीं, पीतम का पूजा मतलब है तो इसलिए ही आई हूँ, नहीं तो ऐसे आना होता ही नहीं। पीतम के पापा आते हैं बीच बीच में कभी कभी। गांव एकदम क्या बोलूँ, पूरा पेड़ पौधे ये सब से भरा हुआ, मिट्टी का रास्ता, कच्चा रास्ता, और ये देखो खेती, ये अरबी और पटल की खेती, तो ये सब अरबी है, और ये जो माचा बांध के बनाया गया ये पटल की खेती है। तो ये सब देखने को मिलता है गांव में, आप जाओगे तो ज़रूर मतलब कुछ अलग देखने को आपको मिलेगा। नहीं तो हम तो सिर्फ बाज़ार से पटल खरीदते हैं और खा लेते हैं, अरबी खरीदते हैं और खा लेते हैं, कैसा होता है उनको कैसे उगाया जाते है कुछ नहीं देखते। चलो पहुँच ही गए हैं रिलेटिव्स के घर, यहाँ थोड़ा मतलब मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर जाएंगे जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर, ठीक है। ये देखो पीतम तो उतरने के लिए उतावला हो रहा है, और गाय बकरी और ये हंस भाग गया, भाग गया। और क्या, तुझे पहुंच गई। और ये देखो एक रिलेटिव्स का घर है, सामने ही नाम गान चल रहा है, हरि संकीर्तन चल रहा है, कीर्तन सुनाई दे रही है आप लोगों को। तो जी ये है मेरी सास और प्रीतम को लेकर जा रही है मंदिर, क्योंकि प्रीतम को वहाँ पर माथा टेकना है और उसके नाम से ही पूजा है। सुबह से बिना खाए है मेरे सासुमा, तो मेरी सासुमा है, और पूजा की तैयारी कर सब कुछ कर लिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, और पूजा शुरू भी हो चुका है, तो मैं आते आते तो बहुत लेट हो जाता ना, इसलिए उन्होंने ही सब कुछ कर लिया है, सब कुछ तैयारी। और ये देखो बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं, एक तरफ नाम गान चल रहा है, पूजा चल रहा है, और बच्चे लोग जो है गांव के बच्चे सब खेल रहे हैं। और मंदिर को देख लो कैसा मंदिर है, गौ निताई भगवान उनका मंदिर है, और अभी तो होता ही है, और बीच में भी एक बार नाम कीर्तन होता है, मतलब एक महीना बाद ही होगा, तो सब लोग बोल रहे थे आ जाना तब भी आ जाना, मैंने बोला देखूंगी क्योंकि तब गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, अब तो वेदर बहुत ही अच्छा है। ये तुलसी मंदिर, और ये बहुत सारे गाय, और हम लोग तो ना ससुराल वाले सब ससुराल वाले जो है वो यादव है ग्वाला, तो गांव में जो हमारे रिलेटिव्स है उनके घर में गाय बछड़ा सब है, भैंस सब रखते हैं, और ये ज़मीन भी है सबका, तो चल जाता है इसमें ही हंसी खुशी ज़िंदगी, और ज़िंदगी तो गांव में ही बसता है। ये देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अभी तुमके पापा डांटने गए, फूलों से सजाया गया था गेंदे के फूलों से मंदिर को, सब उतार के ये देखो क्या हाल कर दिया, सब फेंक दिया इधर उधर फूल को, बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, क्या करें।
हाँ मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको कौन समझाए, उनको पीतम को लग रहा है मैं अगर कर पाता मतलब उसके पापा के डर से चुपचाप बैठा है, नहीं तो उसका बहुत मन हो रहा है फूलों को ऐसे बिखेरने का। और ये भोग की तैयारी है जो कर रहे हैं पंडित जी, और एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं और एक पंडित जी भोग बना रहे हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे सूखा सब कुछ देकर चले गए, पोहा, फल, मिठाई, और ये सब मिक्स कर रहे, गुड़ तो मिक्स करके रेडी कर रहे प्रसाद। और क्या, चलो ये सभी देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा देखना, पूजा में ऐसे बैठे रहना, लेकिन मैं उपवास नहीं कर पाती, मैं क्या करूँ बोलो। तो सुबह से मैंने ORS खाया है, ORS पिया है, और उसके बाद ये पूजा होगी तब प्रसाद खाऊंगी, क्योंकि बोला ना रहा नहीं जाता, एकदम मैं निर्जला उपवास जो बोलते हैं वो मैं नहीं कर पाती। तो सासू माँ मेरी इस उम्र में भी देखो कैसे कर रही है, कितनी ताकत है, मतलब उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मन की शक्ति जो है वो भी ज़रूरी होता है, मुझे है ही नहीं, मैं रह ही नहीं पाऊँगी, मुझे लगेगा खाना दो, लेकिन भक्ति कम नहीं है, मैं मन से बहुत मानती हूँ भगवान को। और कुछ करने से पहले कुछ काम, मतलब किसी का बुरा भला सब कुछ मैं करने से पहले भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान से बातें करती हूँ कि यह ठीक होगा क्या, ये करना, ये मुझे, मैं मानती हूँ कि भगवान आपके अंदर है और आपको उनसे बात करनी चाहिए मन में, ना कि ऊपर भक्ति दिखाओ उपवास करके बहुत, मतलब पूजा कर लो और मन में रखो कि दूसरों का सर्वनाश करे, दूसरों को देख कर जलो, दूसरों की मतलब अच्छा हो रहा है तो आपको जलन होता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत व्यस्त रहती हूँ, बहुत ही बिजी, और भगवान को एक बार के लिए भी नहीं भूलती, मन में मेरा चलता रहता है। तो क्या आज मतलब मन हुआ कि आप लोगों से शेयर कर लूँ तो थोड़ा बोल दिया। और ये देखो अभी पीतम का मानसिक शोध होगा, मानसिक शोध ही तो बोलते हैं हम जिस पूजा से, वो पूजा पंडित जी कर रहे हैं और मेरी सासू माँ उसे लेकर बैठ गई है, जो जो विधि है इस पूजा की वो सब हो रहा है, बहुत सारे लोग ने मानसिक किया है। और ये मेरे हस्बैंड जी ढोल बजाने बैठ गए, देखो मस्ती, और क्या पूजा में भी बैठकर मस्ती अच्छा लगता है ना, ढोल फाक, हाँ कोई नहीं था ढोल बजाने वाला तो वही थोड़ा हाथ लगा लिया। और पीतम देखो कैसे अच्छा बच्चा बन गया है आज, एकदम सर नीचे कर बैठा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पूजा खत्म, आशीर्वादी फूल बांध लिया है आंचल में, और ये देखो प्रसाद खाने बैठ गई हूँ, भूख तो लगी है झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ORS पीकर रही हूँ मैं आज, तो अभी प्रसाद भी माथा टेक कर खा लेती हूँ, भूख भी मिट जाएगी। और पीतम ने भी खा लिया है, और अभी रंग देखो पानी में रंग घोल कर प्लास्टिक में भर रहा है, एक दोस्त भी मिल गया उसे, तो दोस्त को लेकर दोनों एक साथ जुटे हैं ये सब करने के लिए। ओह सचमुच, मतलब कभी इतना आना जाना है नहीं, जाकर दोस्त बना लेना, उसके बाद अपनी मर्जी ऐसे कर लेना किसके साथ, मतलब ये देखो बर्तन भी जुगाड़ कर लिया है, और कैसे बैठ गया है, मेरा बच्चा ये सब कर पाता है। और ये थोड़ा रंग मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दिया है, मेरे हस्बैंड जी मुझे देने आ रहे थे, मैंने बोला कुछ रील्स बनाना है फिर तुम देना, ऐसे मांग में थोड़ा सा दे दो, लाल सिंदूर जैसा लगेगा, लेकिन उनको गुस्सा आ गया बहुत ज़ोरों का, क्यों मना किया मैंने, तो दिया ही नहीं मुझे रंग इस बार, बहुत अफसोस हुआ मुझे, मैं क्यों बोली ऐसी, तो उनको गुस्सा आ गया मुझे रंग नहीं दिया। तो जी अभी आरती चल रही है, आरती के बाद गांव घूमना होगा, गांव परिक्रमा बोलते हैं, और ये देखो भक्ति भाव से पंडित जी
आरती कर रहे हैं और नाम गान भी चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है। माहौल ही बदल गया है, एक अलग तरह का माहौल है, बहुत ही एक गुड फीलिंग होता है ना वो हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारा आ रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये देखो मैं एकदम घूंघट डाल के खड़ी हूँ, कि आरती के समय घूंघट करना ज़रूरी होता है और ऊपर से कोई रंग दे देगा उससे भी बचना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी रंग खेलना चालू हो जाएगा। पहले बतासा, जो बतासा होता है वही मानसिक में यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं दिया जाता है, फेंका जाता है ये परिक्रमा करते करते। तो पीतम सर के ऊपर उठा लिया, अभी घूमते घूमते सब इधर उधर फेंका जाएगा, बच्चे लोग उठाएंगे, यही है नियम हमारे यहाँ पे, ऐसा ही होता है। छिड़क देंगे बतासे को सब मिलकर और नाम गान करते करते भगवान का, और बच्चे लोग जो है गांव के छोटे छोटे बच्चे बड़े भी जिनका मन हो सब उठाएंगे। और क्या ये देखो मैं भी हूँ लाइन में, मैं भी कर रही हूँ, मेरा सासू माँ ने बोला तो मैंने भी शुरू कर दिया है, लाइन में आ गई हूँ। ये देखो कितने सारे लोग गांव के, तो चलो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा बतासे है मेरे, मतलब 4 किलो तो बतासे लाएंगे, लाए ही है मेरे सासू माँ लग रहा है मुझे। और क्या ऐसे छिड़क दो, जिसको मिले मिले, ये बहुत खुशी का मतलब खुशी लाती है। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत खुशी लगता है ना। हम अगर छोटे होते तो हम भी ऐसे करते किया है हमने बचपन में। और ये देखो मुझे रंग दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रंग दिया है, मतलब लोगों ने नहीं, मेरी भांजी है कुछ और दीदी सब ने दिया है, लेकिन हस्बैंड जी नहीं दे रहे, बहुत गुस्सा है, क्यों नहीं तब देने दिया, बहुत गुस्सा है। और क्या सबको दे रहे लेकिन मुझे नहीं दिया, जो मर्ज़ी करे। अभी चलो पूजा ख़त्म होने को ही है, गाँव परिक्रमा शुरू होगा, तो मैं गांव परिक्रमा में नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे मुझसे होगा नहीं, इतनी धूप और बहुत दूर तक जाएंगे सब, मैं यहाँ से ही नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सब जाए। पीतम तो जाएगा ही, उसके पापा को बोल दिया है देख कर रखना बच्चे को, कहीं खो ना जाए, कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा जानते हो कितना अच्छा बच्चा है ना, तो बोल दिया है। अभी उनके ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है, जो करे करे। तो ये देखो जा रहे हैं, ऐसे ही नियम है यहाँ का। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, वो जो रिलेटिव्स है उनके घर आराम से, फिर लंच जब होना मतलब होगा टाइम तब लंच कर लूँगी। धूप तो देखो ऐसे धूप में मैं घूम सकती हूँ, सुबह से नहीं खाया, अभी थोड़ा सा प्रसाद ही खाया है, ऐसे ही वीकनेस हो रहा है, इतनी दूर मोटरसाइकिल पे एक घंटा आई हूँ, मुझसे होगा नहीं। और अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर जाकर फिर आपको काम करना है, सब कुछ करना है, सबका ध्यान रखना है, तो आप यहीं पे तबीयत बिगाड़ लोगे तो घर में कोई है क्या बैठा कि आपको मतलब सब कुछ हाथों के सामने देगा, विश्राम करने देगा, रेस्ट करने देगा, विश्राम बोले बहुत बड़ी बात, रेस्ट करने देगा कि हाँ सो जाओ सब कुछ हो जाएगा, तुम सो जाइए। पीतम देखो अभी तो बहुत और लगेगा इसके ऊपर जा रहा है, तो चलो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ इन लोगों के आने तक। और ये देखो पीतम आ गया है, मेरे बच्चे को पहचान में नहीं आ रहा मेरा बच्चा, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हाँ कितना रंग डाला है, अभी नहाएगा बाप बेटे मिलकर, देखो कैसा लग रहा है। तो वो लोग नहा ले, फिर लंच, लंच में आज एक रिलेटिव्स के घर, ये देखो आलू पोस्तो, चावल चटनी और चिकन, और इनके घर बेल, बेल का पेड़ तो देखो बेल से भरा हुआ है, तो खाना पीना हो चुका है। ये दूसरे रिलेटिव्स है जहाँ जिनके घर बैठी थी वो नहीं, तो अभी चलती हूँ यहाँ से। और ये और एक रिलेटिव्स है, सबके घर घूम रही हूँ मैं थोड़े थोड़े करके, उनके घर, इनके घर मैं सोने गई हूँ, खाली था कमरा तो बेड पर सो गई, आराम से रेस्ट कर रही हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ, ठीक है चलो।
तो जी शाम हो चुकी है, रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए फिर से ये साड़ी पहन लिया है, ब्लाउज चेंज नहीं किया, वही रखा है। और प्रीतम के पापा भी जाने के लिए तैयार है, प्रीतम को देखती हूँ कहाँ है। वो तो जाने के लिए तैयार नहीं होगा आसानी से, लेकिन निकलना पड़ेगा, अंधेरा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, रास्ता खराब है और आज का दिन सब। तो चलिए, तो जी चलो जाने का समय हो चुका है। एक बार आप लोगों को हमारा जो पुराना घर है जो टूट चुका ही है और कोई नहीं रहता वो दिखा देती हूँ। ये देखो ये है घर और पास पास की जो ज़मीन वो हमारी है, लेकिन हम यहाँ रहते नहीं, सास ससुर देवर जेठ सब रहते हैं बिष्णुपुर और हम बाकुड़ा में। और इस ज़मीन में मतलब हमारे जो ताऊ जी ताई जी है उनका भी हिस्सा है, तो अभी बंटवारा ठीक से हुआ नहीं इसलिए घर भी बना नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी है, एक घर बनना यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कुछ फेस्टिवल होता है यहाँ आना पड़ता है तो लोगों के घर रुकना पड़ता है। एक भी अगर घर हो, एक रूम बाथरूम बस, तभी चल जाएगा। खाना पीना इधर उधर ठीक ही है, बहुत सारे रिलेटिव्स है। और देखो अंदर जाकर ये रहा जी पुराना घर हमारा, यहाँ पर पले बड़े हैं प्रीतम के पापा, तो कुछ तो अलग फीलिंग होता ही है ना, प्रीतम को भी देखना था तो चलो देखना हो गया। आप लोगों को भी दिखा दिया है हमारा पुराना घर, गांव और गांव का घर कैसा लगा कमेंट्स में बताना। ये मेरी सासू माँ सब कुछ दिखा रही है, बोल रही है ये ज़मीन हमारी, वहाँ तक हमारी और क्या। तो चलो अभी निकलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, अंधेरा होने से पहले है पहले घर पहुंचना है, बाकुड़ा पहुंचना है, एक घंटा लगेगा यहाँ से, पक्का एक घंटा लगेगा। तो उसके बीच हम एक जगह पर रुकेंगे, वंदा जहाँ जो सुबह रुके थे वही रुकेंगे, कुछ मिठाई खरीदेंगे फिर घर जाएंगे और कुछ नहीं करना है। तो चलो मैं गांव को देखते देखते टाटा बाय बाय करते करते जा रही हूँ। गांव बहुत ही खूबसूरत है, मतलब घिंजी नहीं है, एक जगह सब घर नहीं है, थोड़े थोड़े देर बाद बाद मतलब घर है, बीच में मैदान खुले इलाका खमार बाड़ी ये सब है। तो मुझे ये गांव इसलिए बहुत पसंद आया, मुझे एक घर के ऊपर एक घर वो सा गाँव उतना अच्छा नहीं लगता, गाँव तो अच्छा ही है। और तो जी आ गई मिठाई की दुकान पे, ये मिठाई जो मिठाई की दुकान है मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और जब मैं बिष्णुपुर भी जाती हूँ तब भी यहाँ पर रुककर मिठाई खरीद के फिर घर जाती हूँ। लेकिन आज होली है, दोल है, तो मिठाई लगभग ख़त्म, सिर्फ यही शाम को बनाया है शाम के लिए, जो ये रसमलाई वही लिया है 500, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और प्रीतम ने लड्डू लिया है और एक छने का केक, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। मिठाई देख लो कितनी सारी मिठाई अभी भी है, लेकिन दूसरे कुछ दुकानों में जाओगे तो अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो मिठाई खरीद के लोगों ने दुकान खाली कर दिया है, आज दिन ही ऐसा है मुँह मीठा करने का। और ये प्रीतम ने लिया है एप्पी, उसके कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेना ही है, नहीं तो उनको उसको अच्छा नहीं लगता। तो चलो मिठाई ले लिया है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, आप लोग जानते हो शुगर है तो क्या है, मर जाऊँ क्या बिना मिठाई के, मन के मतलब मन को मार के ही मर जाऊँगी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ मुझे अगर मिठाई ना मिले। मैं थोड़ा सा चावल कम खा लूँगी, लेकिन मिठाई चाहिए मुझे सुबह, सॉरी एक दिन में एक हो तभी चल जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो प्रीतम के पापा गोलगप्पे खा रहे थे, देखकर मुझे भी खाने का मन हुआ तो मैंने भी दो खा लिए। यहाँ पे गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं, इस सिर्फ इस ठेले में सब नाम करते हैं गोलगप्पे का, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, तीन ही खाया है, प्रीतम ने एकदम ही नहीं खाया है। और वो मेरा शूटिंग करके दे रहा है, हाँ सोचो लास्ट में दिन भर चला गया लास्ट में, और मैंने आज साइकिल पे भी चढ़ा था, किसी के साइकिल पर चढ़ा था, मैं तो साइकिल चलाती हूँ लेकिन किसी के साइकिल पर चढ़ा था, बहुत डरावनी बात है। वो शूटिंग करके कोई देने वाला नहीं था, मुझे रंग दिया गया तब भी शूटिंग करके कोई देने वाला नहीं था, आप लोगों से मैं सॉरी बोलती हूँ, क्या करूँ कोई शूटिंग करके मुझे देता ही नहीं, मैं जो करती हूँ सब अकेले करती हूँ, शूटिंग एडिटिंग सब कुछ, और बाहर तो मैं स्टैंड लेकर नहीं जा सकती, तो क्या करें जितना हो सके फ़ोन से करती हूँ अपने आप हाथों से ही। तो जितना हो सके शेयर किया, ब्लॉग कैसे लगा बताना, ज़रूर कमेंट करना। और चलो हो गया मेरा खाना, अभी निकलते हैं घर के तरफ, और ये लास्ट में पानी थोड़ा खा लेती हूँ, इमली वाला पानी लास्ट में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो 5 रुपये में 3 दिया है,
और सुहाना मौसम है अभी भी, जाने के समय भी था, अभी घर आने के समय भी, बीच में हम इसलिए रुक गए थे, ज़्यादा धूप थी। तो जी घर वापस आ गई ठीक ठाक आराम से, घर वापस आ गई। और प्रीतम अभी कुछ खा रहा है, खा नहीं रहा है, पी रहा है एप्पी फ्रेश ना, क्या है प्रीतम दिखाया था आप लोगों को, हाँ जो मिठाई की दुकान पे खरीदा था वो खाते खाते आया है। बहुत टायर्डनेस है लेकिन खुशी भी है, दिन बहुत अच्छा गया, सचमुच बहुत अच्छा गया। हाँ दिखाया था मिठाई की दुकान में, तो बहुत बहुत अच्छा दिन गया, बहुत ही मीठी, बोलते हैं ना मिठास से भरी हुई एक दिन, तो उसका अंत भी मीठा मीठा होना चाहिए। तो मिठाई लाई हूँ, क्या क्या लाई हूँ चलो दिखाती हूँ और एक बार, और एक मिठाई खाती। ये देखिए रसमलाई, और ये है क्या बोलते छाना, छने का केक, और इधर है प्रीतम का लड्डू लड्डू लड्डू। आजा आजा, इसको शर्म आ रही है निकलने में, निकलो दिखाना है, प्रीतम खाएगा। ये देखो रंग दिया हुआ लड्डू, मैं नहीं खाती, प्रीतम को खाने दो, खा ले, मैं ये मिठाई एक टेस्ट करती हूँ। तो जी ले लिया ये, और प्रीतम ने देखो नहीं लेगा बोला था, फिर ले रहा है, लेने दो बच्चा है क्या करें। और खाकर बताती हूँ ये मिठाई कैसी है, छने का केक बोलते हैं, बहुत पसंद है मुझे। है ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है ना, ठीक ठाक है। तो आज का दिन बोला ना बहुत ही मिठास से भरा था, तो अंत भी मिठाई से हुआ है। और आज के दिन मिठाई खाना भी तो बनता है ना, सुबह एक खाया था प्रसाद के साथ, नहीं खाऊंगी क्या, ये खाऊंगी अभी बैठ कर, रसमलाई भी थोड़ी सी चखूंगी। तो जी ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं ये पेंड करती हूँ, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा।